हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बड़ी। और फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं कि कीपिंग ड्रिल्स की, कुछ हम बेसिक कीपिंग ड्रिल्स के बारे में आज सीखने वाले हैं और बताने वाले हैं कि क्या उनके फायदे। तो ये वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, मेरे साथ है योगेश कलाल और आज हम उनसे कीपिंग का ज्ञान सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीपिंग की पोजीशन। ओके दोस्तों, कीपिंग की पोजीशन में सबसे बेसिक थिंग ये है कि आपके लेग्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। लेग्स के बीच में डिस्टेंस कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है या बहुत कम नहीं रखना है, या पॉइंट पैर्स को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो जो बेसिक डिस्टेंस है लेग्स के बीच में, वो आपके नॉर्मल शोल्डर जितना होना चाहिए। और वहाँ से हम जैसे स्क्वाट करते हैं वैसे करके ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। और अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके जो लेग्स है नीचे पाँव, वो हमेशा टोज के ऊपर रहने चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी बैलेंस है, बॉडी का वेट ट्रांसफर है, वो आगे की तरफ रहे और आप फटाफट खड़े हो सके। तो दोस्तों, ये होनी चाहिए आपकी कीपिंग की पोजीशन, ठीक है। अब इसमें ये मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि टोज के ऊपर बैलेंस रखना मतलब कि आपका पूरा ये टोज के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाना, इससे आपका बैलेंस ही नहीं रहेगा और आप आगे गिर जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि आपका सिर्फ थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफर आगे होना चाहिए टोज के ऊपर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा ऐसे करके आपको टोज के ऊपर खड़ा हो जाना है। दोस्तों, अब हम हमारे हैंड्स के पोजीशन कैसी होनी चाहिए उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आपको अपने दोनों जो कीपिंग के ग्लोव्स है या आपके जो हैंड्स है, वो इस तरीके से साथ में रखने हैं, ठीक है। और फिर वहीं से आपको ऐसे जो हमने पहले सिखाया वैसे बैठ जाना है। अब इसमें हैंड्स की पोजीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी आपकी ये जो एल्बो है वो ऐसे बॉडी के साथ अंदर स्टिक करके नहीं रखने, या चेस्ट के साथ स्टिक करके नहीं रखने। आपको हमेशा बॉडी से आगे हाथ रखने हैं ताकि आप आसानी से बॉल कैरी कर सके। ओके, थर्ड जो बेसिक थिंग है वो है आपका हेड पोजीशन। लेग्स हो गए, हैंड हो गए, ठीक है। अब जो मेन थिंग है वो हेड पोजीशन। आपको आपका हेड हमेशा स्ट्रेट रखना है और हमेशा बॉल की तरफ रखना है। ऐसा नहीं कि आपका कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है वो भी उस तरफ या उस तरफ जा सकता है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए आपका हेड पोजीशन, हमेशा सामने की तरफ, कभी भी ऐसे या पूरा ऐसे नहीं रखना है, इससे आपका बॉडी वेट आगे चला जाएगा या जिस तरफ आपका हेड जा रहा है उस तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको विकेट कीपिंग की पोजीशन है वो पता चल गई होगी। तो अब हम कुछ बेसिक ड्रिल करने वाले हैं। सबसे पहले जो बेसिक ड्रिल्स है उसमें आता है बॉल को कैसे पकड़ना है और उसको कैसे कैरी करना है, क्योंकि वो सबसे बेसिक थिंग है विकेट कीपिंग के, ठीक है। तो अब हम हमारे जय सर की मदद लेके कुछ ड्रिल्स करेंगे, वो आप देखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत काम में आएगा। अब आप यहाँ से बॉल डालिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेग से बेंड होना है, ठीक है। इधर से नी बाहर नहीं आना चाहिए, आपको ऐसे पीछे की तरफ बैठना है, ठीक है। और आपको जो हैंड्स की पोजीशन दिखाई दी वैसे आपको आगे से हाथ रखने, कभी भी ऐसे बेंड करके नहीं रखने, आगे, ठीक है। चलिए अब आप डालिए। तो इस तरीके से आपको बॉल को आगे से पीछे कैरी करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बॉल कैरी करना हम इनिशियली सीख सकते हैं। अब जो हम ड्रिल्स करने वाले हैं वो थोड़ी सी एक स्टेप आगे है जो हमने पहले सीखी, ठीक है। इसमें हमको बॉल कैरी तो करना ही है, उसके साथ साथ हमको हमारे लेग मूवमेंट्स भी करने हैं, जिसको हम साइड वे मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो सबसे बेसिक थिंग है एक विकेट कीपर के लिए। ओके, तो चलो जय सर, आप हम इनको दिखा दें कैसे करना है। आप सिर्फ बॉल डालो, सेम जैसे हमने पहले पोजीशन ली थी वैसे पोजीशन लेनी है। कैरी करने के साथ साथ आपका ऐसे साइड मूवमेंट भी आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो समझे दोस्तों, हमेशा आपको बॉल कैरी करने के साथ साथ अगर साइड में बॉल आ रहा है तो उसके साथ साथ हमको हमारा ये लेग्स का साइडवेज मूवमेंट भी करना है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको कीपिंग के ज्ञान में मजा आया होगा। और आप कोई टिप देना चाहोगे? ठीक है, टिप में तो ऐसा है कि जो भी आज मैंने आपको ड्रिल सिखाई है और जो भी वो स्टांस या पोजीशन कीपिंग की सिखाई है, वो उस पर आप 15 से 20 दिन
20 दिन वर्क कीजिए और हर एक ड्रिल्स आप दिन की 50 या 100 काउंट्स कीजिए तो आपको 15 टू 20 डेज में आपको 100% उसका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो प्लीज़ गाइस इसको आप फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों ये हमारा कीपिंग का फर्स्ट पार्ट है और आगे और पार्ट आने वाले हैं जिसमें हम एडवांस लेवल भी सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।